टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। एनटीपीसी रिहंद नगर में ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के तहत मंडल निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन आवासीय परिसर के कल्याण केंद्र में किया गया, जिसमें 3 विद्यालय के 110 छात्र छात्राओं की 27 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसके बाद मुख्य अतिथि देवव्रत पाल ने चयनित बच्चों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। नो वी शुड बिलीव कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। अभी जो कल कंपटीशन हुआ, हमारे स्कूल के जो बच्चों का पार्टिसिपेशन था वो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन था। देर वर 110 स्टूडेंट्स एंड आउट ऑफ 110 देर वर 78 स्टूडेंट्स फ्रॉम DAV स्कूल। दिस इज औरैया के एरवा कटरा मेन बाजार में सरकारी धान खरीद केंद्र बनाया गया है, जहां पर धान की खरीद को लेकर आज केंद्र प्रभारी के साथ मारपीट की गई। वहीं भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के सदस्यों का कहना है कि किसान की समस्या को लेकर जब हमने केंद्र प्रभारी शैलेश कुमार से बात की तो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। वहीं केंद्र प्रभारी के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के सदस्य अनावश्यक धान लेने का दबाव बनाते रहे। वहीं भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के सदस्यों का कहना है कि केंद्र पर बड़े बड़े दलाल बैठे हैं। यहाँ पे सर किसानों की कुछ शिकायत थी कि यहाँ पे अनियमित तरीके से जो है धान तोला जा रहा है। SMI इतना मतरगंड है कि वो किसानों की कोई बात नहीं सुनता है। पीछे से दलाल लोग जो है पैसे दे दे के जो है धान तुलवा रहे, और जो किसान बेचारा लाइन में लगा हुआ टोकन लेके उसका धान नहीं तोला जा रहा है। धान इंटर डिस्ट्रिक्ट दूसरे जिलों से भी जो है खरीदा जा रहा है, कन्नौज इटावा वहाँ से धान आ रहा है और यहाँ पे अंगूठे लगाए जा रहे और उसको जो है दिखाया जा रहा है कि हम यहाँ 300 क्विंटल 400 क्विंटल तोड़ रहे। इतना भ्रष्टाचारी हो रही है, SMI भ्रष्ट है। कुछ भानुगुट के लोग आए हुए थे, उन्होंने मुकरा पकड़ी खींचा मारपीट करने की। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? हाँ, धान के ऊपर। मेरा वो आए थे कि मेरा धान तुले बिना नंबर के, उसके आए हुए थे कि मेरा नाम धान तुलना चाहिए, इस तरह का दबाव बनाए। धान लेके आए थे, कागज लेके आए थे, ये कहा था कि तुमको 2 महीने बाद देखेंगे जब कोई डेट यहाँ की तौल हो जाएगी। इसकी बात 2-3 अलीगढ़ के खैर कोतवाली के गांव उटवारा में बारात निकलने की तैयारी चल रही है। इसी दौरान धर्मवीर के ताऊ के बेटे नौबत ने शराब पी ली, जिसका उसके भाई चंद्रपाल से विरोध हो गया। तो नौबत देसी तमंचा लेकर आया और उसने छोटे भाई चंद्रपाल को गोली मार दी। गोली चलते ही मौके पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए, जिसकी सूचना पर पुलिस ने दोनों घायलों को एम्बुलेंस की मदद से CHC खैर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया। नहीं है, सवेरे से बड़े भाई ने दारू पीरा के भाई ने और वो गाली बकलाता। मैं बोला भाई गाली क्यों बक रहा है, और कहीं गया वो तमंचा समंचा लिया, जट मेरे गोली मार दी उसने, और कोई बात नहीं है। कौन था वो? बड़ा भाई है मेरा, नौबत। तो शराब पी थी? हाँ, सुबह से ही दारू पी रहा किया और रोज दारू पीता है, गाली गलौज करता है। मैं गाली क्यों दे रहा है? तो आपकी क्यों मार दिया? भाई मेरे से हुआ पहले, कहीं से तमंचा लिया है? मैं नहीं कहते, मैं क्यों दारू पी रहा है, तू क्यों गाली बक रहा है? भाई इतने मिला के दिन कहाँ से तमंचा जट मेरे। औरैया के श्री गजेंद्र सिंह पब्लिक इंटर कॉलेज में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व विधायक स्वर्गीय गजेंद्र सिंह की 19वीं पुण्य स्मृति पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर लोगों ने देश और समाज के निर्माण में स्वर्गीय बाबूजी के आदर्श और सिद्धांतों को प्रासंगिक बताते हुए कहा कि बाबूजी एक व्यक्ति नहीं एक विचार थे, जो लोग समाज के लिए जीते हैं वो मर कर भी अमर हो जाते हैं। व्यक्ति तो मर जाते हैं लेकिन विचार कभी नहीं मरते। बाबूजी का समाज सेवा की बात में करूं तो कुछ अकल्पनीय लोगों को लगेगा, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हैं जो अपनी बात कह नहीं पाते या कहते हैं, कहने को कोई अवसर नहीं मिलता, वो समझते हो अच्छी तरह से। बाबूजी 24 घंटे राजनीति करते थे, समाज सेवा करते थे।
पार्टी के बीच में नहा धो लेते थे, तखत डाल के नहा लेते थे, उनसे बात करते थे लोगों से, उन्हीं के बीच में खाना खा लेते थे। और जब दाऊद लखनऊ जाते तो कई बार ऐसा होता था कि बाबूजी दो दो तीन तीन दिन दाऊद नाम बने रहते थे। हम लोग बुलंदशहर में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने इकट्ठा होकर विकास भवन का घेराव किया। उनका कहना है कि पिछले कई दिनों से हम अपनी मांगों को शासन और प्रशासन के सामने रख रहे हैं, जिसके लिए लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने इकट्ठा होकर लखनऊ के लिए यात्रा भी की थी और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मांग पूरी नहीं हुई। क्या इन लोगों ने भी हमें आश्वासन देते रहते हैं विभाग वाले भी कि नहीं नहीं हम आपकी मांगों को भेज रहे हैं, अगर विभाग चाहे तो कम से कम दो लाइन ये लिख के भेज दें। हम लोगों को रोक टोक की जा रही है कि आप आंदोलन नहीं करेंगे, आप धरना नहीं करेंगे, आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, आपका जो FIR दर्ज कर दी जाएगी। मैंने कहा आप करें तो सही FIR दर्ज। और ये जिस तरह से ये शोषण कर रहे हैं आंगनवाड़ियों का, आप दो लाइन मैंने कहा आप लिख के ये भेज दीजिए कि इनकी मांगों को मान लीजिए, इनकी मांगों को पूरा कीजिए। आप इतना शोषण क्यों कर रहे हैं, आप इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं जो 5500 में आप लोग अपना। फतेहपुर जनपद के अमौली विकासखंड थाना चांदपुर गांव में पीने के पानी की त्राही त्राही मची हुई है, जिसकी जानकारी मिलते ही समाजवादी पार्टी के जहानाबाद विधानसभा के भावी उम्मीदवार महामंडलेश्वर स्वामी सत्यानंद मौके पर पहुंचे। पानी की त्राही त्राही को देखकर विपक्ष ने सत्ताधारी सरकार पर जमकर हमला किया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि सरकारी पानी की टंकी बीते कई वर्षों से भगवान भरोसे चल रही थी, अचानक मोटर जल जाने के कारण गांव में भी पानी का निर्यात नहीं हो पा रहा है। पेयजल की है जो लगभग 15 वर्ष से ये समस्या झेल रहे हैं। ये छोटा सा बोर है इसलिए ये पूरे गांव की भरपाई नहीं कर पाता, पेयजल नहीं पहुंच पाता है। तो जो बड़ी मोटर जिसमें रिबोर होना चाहिए, 2015 में कुछ जानकारी मिली थी कि इसका पैसा आया हुआ था, बोर क्यों नहीं हुआ, कहाँ हुआ, कैसा हुआ, ये मुझको जानकारी नहीं है। मैं किसी भी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूँ। ये महोबा रोडवेज परिसर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत बस चालकों और परिचालकों से यातायात पुलिस और रोडवेज के ARM ने यातायात नियमों का पालन करने की अपील की और सभी को नियमों की जानकारी देते हुए सुरक्षित वाहन चलाने की शपथ दिलाई। सड़क सुरक्षा सप्ताह में दुर्घटनाओं से बचाव के लिए वाहन चालकों को जागरूक किया गया और इस दौरान ड्राइवरों के साथ एक सेमिनार का आयोजन करते हुए रोडवेज के ARM हेमंत मिश्रा ने बताया कि हम लोग ड्राइवरों को सुरक्षित वाहन चलाने की जानकारी देते हैं और जागरूक करते हैं, साथ ही चालकों को सुरक्षित वाहन चलाने की शपथ भी दिलाते हैं। ये एक्चुअली 6 तारीख से 12 तारीख का हमारा तृतीय रोड सेफ्टी वीक का ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमारा PTO डिपार्टमेंट, हमारा RDO ऑफिस, हमारा ट्रैफिक पुलिस के डिपार्टमेंट के सभी साथी और हमारी परिवहन निगम के सभी ड्राइवर कंडक्टरों की हम लोग काउंसलिंग करते हैं कि उनको कैसे फॉग में, कैसे विंटर सीजन में गाड़ी को ऑपरेट करना है और कैसे कैसे क्या क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो मेंटेन करने हैं ड्राइविंग करते हुए, जिससे कि लोगों को सुगम और सुरक्षित यात्रा दिलाई जा सके। और इसी पर्पज को करते हुए हम लोग 12 बजे पर डे जो है एक सेमिनार का यहाँ पे गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं और इसमें हर किसी को ये एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं शपथ के माध्यम से, उनको जागरूकता के माध्यम से, उनको काउंसलिंग के माध्यम से कि वो रायबरेली के थाना उचहार के गंधपी गांव में अपराधियों में कानून का कोई खौफ नहीं है, जहां अपराधी एक के बाद एक गंभीर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इस बार भी एक महिला के घर में घुसकर तेजाब फेंका गया, जिसके बाद एसिड अटैक से महिला झुलस गई, जिसके बाद महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक सरस्वती नाम की महिला आई थी जो 47 ईयर की थी और ये गंदपी गांव गंदपी थाना ऊंचा की रहने वाली थी। बाकी जो अटेंडेंट लाए थे तो इसके दोनों अपर लिम में बर्न इंजुरी था प्लस चेहरे पे बर्न इंजुरी था। अटेंडेंट से पूछने पे यही पता चला, अटेंडेंट ये बताया कि किसी ने केमिकल उसके मुंह पे डाला था जिसके वजह से बर्न इंजुरी आई थी। अब केमिकल में क्या है, एसिड है कि और कुछ है, तो पता करने की जाँच विषय है। बाकी मैंने भर्ती कर दिया है, उसका इलाज चल रहा, खतरे से बाहर है।
उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं पर अत्याचार पर नियंत्रण के दावे तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत कोसों दूर है। ऊंचाहार थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 47 वर्षीय महिला के ऊपर रात में घुसकर अपराधी जो है तेजाब फेंक देते हैं और जो है वो बड़े आराम से फरार हो जाते हैं। अब हम इस समय उस महिला जिला अस्पताल में भर्ती है, यहाँ जीवन और मौत के बीच में वो संघर्ष कर रही है। आप दिखाएंगे जिला अस्पताल का, ये बर्न वार्ड महिला है। यहाँ पर हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो आएँ और दिखाएं कि प्रदेश सरकार के कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के वादों जो किए गए हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ कागजी हैं। आप देख सकते हैं इस महिला के ऊपर रात में तेजाब फेंक दिया जाता है। कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएं, क्लोज करें कि तेजाब फेंक दिया जाता है। एक अपराधी घर में घुसकर रात के 12 बजे तेजाब फेंकता है और आराम से फरार हो जाता है। एसिड अटैक की बिक्री पूरी तरह से बैन है प्रदेश में, लेकिन ये एसिड कहाँ से पाते हैं, कैसे करते हैं? और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि अपराधी घर में घुसकर जो है वो एक महिला पे तेजाब फेंकता है और बड़े आराम से फरार हो जाता है, और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। आज भी तक उस आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। देखना है कि महिला सुरक्षा के ये दावे कहीं जमीन उतरते हैं जमीन पर या सिर्फ कागजी हवा ही रहते हैं। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, प्राइम टीवी, रायबरेली। शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में इस्तेमाल करने के बाद बचे हुए गंदे पानी को एसटीपी ईटीपी प्लांट के तरफ से साफ करके उन्होंने बागवानी को प्रयोग में लाने के लिए प्लांट का लोकार्पण किया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने इस दौरान जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और इस दौरान पुलिस अधीक्षक एस आनंद, सीएमएस एयूपी सिन्हा और प्रवक्ता पूजा पांडे त्रिपाठी के साथ प्लांट के प्रोजेक्ट मैनेजर शुभम शुक्ला भी मौजूद रहे। ये 400 केएलडी का एसटीपी प्लांट और 50 केएलडी का ईटीपी प्लांट यहाँ लगा हुआ है, जिसमें हमारा 400 केएलडी का सीवेज प्लांट में जो हमारा कैंपस का सीवेज है वो यहाँ पे आएगा और उसको हम लोग एमबीबीआर टेक्नोलॉजी से ट्रीट करेंगे, और जो हमारा पैथोलॉजी है, डायलिसिस यूनिट है, उसका डिस्चार्ज हमारा ईटीपी प्लांट में आएगा, उसको भी हम लोग ट्रीट करेंगे। और जो हमारा प्लांट है इसमें जो पानी हमारा जो ट्रीट होकर निकलेगा उसको हम एज अ गार्डनिंग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और जो उसके नॉर्म्स हैं वो एनजीडी के जो नॉर्म्स हैं कि बीओडी लेस देन 10 होना चाहिए, सीओडी लेस देन 30 होना चाहिए, उसको फॉलो करेगा। यहाँ सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जो है और सीवर लाइन की शुरुआत हम पहले कर चुके हैं, एक साल पहले से। तो ये अपने आप में इस मेडिकल कॉलेज के लिए, ख़ास तौर से इस अस्पताल के लिए, ये एक बड़ी उपलब्धि है कि जो 723 लाख की लागत से ये बहुत कम समय में इसको हमने मूर्त रूप दिया है और 400 केएलडी की इसकी क्षमता है, और इसके पानी को रिसाइकिल किया जा सकता है, इसका पानी गार्डनिंग के लिए यूज़ हो सकता है। जो 723 लाख रुपए तो इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है और 20 लाख रुपए पर ईयर का इसका मेंटेनेंस भी है, तो इसमें इन लोगों को मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी 5 साल के लिए दी गई है। देश इस वक्त गम से जूझ रहा है। देश के पहले सीडीएस विपिन रावत और उनके साथ कुल 13 लोग जो इस प्लेन क्रैश में जिनका निधन हो गया उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही है, मैनपुरी, मथुरा, फतेहपुर, जहां लोग कैंडल जलाकर, माल्यार्पण कर, मौन रखकर श्रद्धांजलि देते नजर आए हैं सीडीएस विपिन रावत और उन अधिकारियों को जो प्लेन क्रैश में, कुन्नूर प्लेन क्रैश में शहीद हो गए। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए 13 अधिकारियों को, जिसमें सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी शामिल हैं, सभी लोगों को देश नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। वहीं मैनपुरी से ये खबर सामने आई है, तस्वीरें सामने आई है, मथुरा से सामने आई है, वहीं फतेहपुर के विद्यालय से भी ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पे बच्चों ने मौन रखकर सीडीएस विपिन रावत और अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। मथुरा में कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई, और मैनपुरी से जो तस्वीर आप देख रहे हैं वहां पे व्यक्तियों ने अपना मुंडन करवाकर, बाल दान कर सीडीएस को और अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि दी है।
उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।